हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो हमारे दो एपिसोड हो चुके हैं, तो तीसरा एपिसोड में लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। पिकोलो पूछता है उसे, क्या वो दोनों सैयन तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो तभी डैडी बोलता है, अगर तुम्हें पता भी चल चुका है इस सैयन के बारे में तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर गोकू बोलता है, काश हमें तुम्हारी बातों पर ध्यान ना दिया होता, तो हम यानी कि हम तुम्हें और अच्छे से संभालते। फिर कहो चलो पिकोलो, चलो लड़ते हैं इससे। तो फिर पिकोलो बोलता है कि शायद गोकू तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा। गोकू बोलता है कि नहीं, बल्कि मुझे तो डर लग रहा है। तभी रेडी बोलता है, ज़रूर, लेकिन तुम्हारा डर तुम्हारी बदनसीबी बन जाएगा। तो गोकू और पिकोलो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और वो एक स्ट्रेटजी बनाकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। और तभी रेडी बोलता है, मैंने उसे नहीं छुपाया, यानी गोकू बोलता है कि तुमने मेरे बेटे को कहाँ छुपाया है। तो रेडी बोलता है, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं छुपाया, बल्कि मैंने उसे एक सुरक्षित जगह रखा है, एक स्पेसशिप के अंदर, जिस स्पेसशिप में मैं आया था मैंने उसमें रखा हुआ। तो गोकू उठ के उसे देखने जाता है और देखता है कि गोहान उसमें बंद है और वो रो रहा है। और गोहान बोलता है, डरो मत गोहान, पापा तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। और तभी गोकू ज़मीन पर उतरता है और उतरने के बाद दोनों एक साथ हमला करते हैं। और जैसे ही दोनों उसके ऊपर एक साथ हमला करने जाते हैं, दोनों अटैक करते हैं सामने से ही और लड़ते हैं। दोनों अलग अलग अटैक कर रहे होते हैं उसके ऊपर और वो अकेला उन दोनों के वार से बच जाता है। और जैसे ही वो बचता रहता है उन दोनों के वार से, तो हमें दोनों उसके पीछे चले जाते हैं। और जैसे ही वो उसके पीछे जाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, तो वो पहले ही उन्हें देख लेता है और एकदम पीछे से उन दोनों को लात मार देता है। और लात मारने के बाद वो दोनों दूर दूर जाकर गिरते हैं, वो हवा में ही होते हैं। इतने में ही रेडिज अपना हमला बना लेता है, यानी कि हाथ से एक पावर बनाता है दोनों से, एक हाथ से और एक पावर दोनों को मार देता है। और उस पावर को गोकू तो डोज कर लेता है, लेकिन वो पिकोलो का हाथ पे लग जाते हैं, जिससे पिकोलो का हाथ कट जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि गोकू और पिकोलो दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और गोकू पिकोलो से पूछता है, अरे क्या तुम ठीक हो पिकोलो। पिकोलो कहता है, हाँ, लेकिन शायद मेरा एक हाथ टूट चुका है। और पिकोलो बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक हाथ से भी लड़ सकता हूँ। तभी हमें क्रिलिन, मास्टर रोशी और बुलमा दिखाए जाते हैं, वो बात कर रहे हैं कि क्या गोकू ठीक होगा। तो क्रिलिन बोलता है कि अगर पिकोलो ने रेडिज के साथ हाथ मिला लिया तो ये बहुत बुरा होगा। और फिर मास्टर रोशी बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, पिकोलो भी बहुत ताकतवर है और रेडिज तो हद से ही ज़्यादा ताकतवर है, तो देखते हैं हम क्या होगा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ ना हो। और उधर पिकोलो बताता है कि क्या तुम्हारे पास कोई बैकअप है। तो गोकू बोलता है, नहीं। वह कहता है कि जब मैं तुम्हें हराने के लिए तैयारी करता था तो मैं बहुत बहुत ट्रेनिंग करता था, और जिसकी वजह से मैंने कुछ हमले बनाए हैं, अगर तुम मुझे थोड़ा सा बैकअप दे दो तो मैं उस हमले को इसे मार दूंगा। तो गोकू बोलता है, क्या तुम उसे एक हाथ से कर सकते हो। पिकोलो बोलता है, हाँ, मैं उसे एक हाथ से कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए तुम्हें उसे उसका ध्यान भटकाना होगा और फिर मैं उस पर हमला करता हूँ। तो गोकू कहता है, ठीक है, और वो अगर वो पहली बार में मर गया तो अगले तुम होगे गोकू, फिर मैं तुम्हें मारकर इस पृथ्वी पर कब्जा करूँगा। और तभी गोकू हंसने लगता है और जाकर रेडिज पर हमला कर देता है, और रेडिज उसके सारे हमले डोज कर देता है। और फिर वो गोकू के ऊपर हमले करता है, जिससे गोकू को मुक्के पड़ते हैं, बढ़िया वाली मार पड़ती है गोकू को, और गोकू एक तरफ यानी हवा में जाकर गिरता है। तो हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो अपना हमला बना रहा है और रेडिज गोकू पर हमला करता है, तो जिसकी वजह से वो हवा में पहुंच जाता है, लेकिन गोकू हवा में संभल कर अपनी कामेहामेहा बना लेता है। और रेडिज देखता है कि क्या ये अब इसकी एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि इसका पावर लेवल बढ़ रहा है और ये और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। फिर वो देखता है कि नहीं, इसने अपने सारी पावर को, अपने शरीर की सारी पावर को एक हाथ में इकट्ठा कर लिया है और वो मुझे मारने वाला है। अगर वो अपनी शक्ति को एक जगह इकट्ठा कर रहा है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो फिर वो गोकू एकदम उस पर हमला कर देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पिकोलो का भी अटैक रेडी हो गया है, लेकिन जैसे ही गोकू उस पर कामेहामेहा मारता है, वो उसे डोज कर लेता है आसानी से। गोकू कहता है कि ये कैसा इंसान है जो कामेहामेहा से भी बच गया। और फिर रेडिज कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और फिर वो उसके ऊपर हमला कर देता है रेडिज।
और रेडी जैसे उसे हमला मारता है वो गोकू को लग जाता है, गोकू उससे नहीं बच पाता और गोकू ज़मीन पर गिरने लगता है। और जैसे गोकू ज़मीन पर गिरता है तो उसके कपड़े फटे हुए होते हैं और तभी रेडी उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास पहुंचते ही उसे मुक्का मारने वाला होता है। अचानक से उसे एक बहुत बड़े पावर लेवल का एहसास होता है। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पिकोलो ने अपनी पावर बना ली है और कहता है इसे पकड़ कर दिखाओ, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और रेडिज उससे डर जाता है लेकिन रेडिज उसे भी दोज कर लेता है और वो हल्की सी रेडिज के कंधे पर लग जाती है जिससे उसके कंधे पर थोड़ा सा आर्मर टूट जाता है। लेकिन वो पावर जिस पहाड़ पर लगती है उस पहाड़ को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। रेडिज कहता है काफ़ी अच्छी की टेक्निकी है, तुमने मेरा आर्मर तोड़ दिया है। और कहता है अब तुम गए, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। और रेडिज पिकोलो के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो उसे अपनी पावर मारने जाता है अचानक से पीछे से गोकू उसके आगे पूंछ पकड़ लेता है और गोकू कहता है तुम बहुत लापरवाह हो। और तभी रेडिज ज़मीन पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है और रेडिज बोलता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। गोकू कहता है कि जो मेरे बेटे को मारना चाहता है वो मेरा भाई नहीं हो सकता और तुम मेरे भाई नहीं हो। और वो गिड़गिड़ाता है और माफ़ी मांगता है, बहुत इधर उधर की बातें करता है। तो गोकू को उस पर तरस आ जाता है और गोकू अपने भाई को बचाने के लिए वो कहता है कि मैं इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाऊँगा। तो गोकू उसकी पूंछ छोड़ देता है, बल्कि पिकोलो से मना करता है कि ऐसा मत करना। और तभी उसकी पूंछ छूटते ही वो गोकू के ऊपर हमला कर देता है और वो गोकू को एक ज़ोरदार कोहनी मारता है जिससे गोकू बहुत दूर जाकर गिर जाता है और जाकर गोकू के छाती पर पैर रख लेता है और कहता है तुम एक बेकार हो, बेवकूफ़ हो, तुम जरा सी बात में ही अब तुम मैंने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, एक थोड़ी छोटी सी बात है लेकिन मैं एक असली योद्धा हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं बनूंगा। और वो उसकी छाती पर लात मारने लगता है जिससे गोकू बहुत चिल्लाने लगता है और गोहान को भी उसकी आवाज़ आती है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है। फिर हमें चीची दिखाई जाती है, वो कहती है गोहान तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें 100 में से 100 मार्क्स मिले हैं। अगर गोकू इसे देखेगा वो भी यही कहेगा कि तुम बहुत मेहनती हो। तो चीची सोचती है कि काश गोकू और गोहान तुम दोनों घर जल्दी वापस आ जाते। फिर हमें तभी गोकू दिखाया जाता है, गोकू दर्द से चिल्ला रहा होता है और रेडी जी उसका बड़ा भाई उसे ज़ोर ज़ोर से उसके सीने पर लात मार रहा होता है जिससे गोकू को बहुत दर्द हो रहा होता है। उसकी वो अपनी बहुत सारी एनर्जी पहले लड़ाई में लगा चुका है और जैसे ही वो पावर बनाकर उसे मारने वाला होता है तो उसे एक पावर का एहसास होता है। वो चारों तरफ देखता है कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है वो पावर, उसे कुछ नहीं दिखता। तो अचानक से उसकी स्पेसशिप फट जाती है और उसमें से गोहान निकल कर बाहर आता है। भले ही गोहान एक बच्चा है लेकिन शायद अपने पापा को तकलीफ में देकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया जिसकी वजह से उसने एक एलियन की स्पेसशिप तोड़ दी और वो बच्चा अब बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।